Hello student, good morning all of you. Today we will learn in Hindi Rimjhim chapter number 3. Open the page number 15. Chapter number 3 poem है म्याव म्याव. तो student सबसे पहले ये बताओ कि म्याव म्याव कौन करता है. म्याव म्याव बिल्ली करती है ना. बिल्ली सबको पसंद है. हाँ, क्योंकि बिल्ली है वो कई बच्चों की फ्रेंड होती है और कई बच्चे उनसे डरते हैं, है ना. तो बिल्ली म्याव म्याव करती है ना. और फिर चूचू कौन करता है. चूचू है वो चूहा करता है ना. तो चूहा है वो कैसा लगता है देखो. यहाँ पे है ना छोटा सा वो ऐसा चूहा दिखता है. चूहा किससे डरता है. चूहा बिल्ली से डरता है ना. बिल्ली उसको क्या कर कह के डराती है. बिल्ली उसको म्याऊं म्याऊं कह के डराती है ना. तो अब हम पोयम पढ़ेंगे म्याऊं म्याऊं. पहले मैं आपको ये पोयम रिसाइट करके दिखाती हूँ. आपको भी मेरे साथ गाना है. सोई सोई एक रात में. एक रात में सोई सोई रोई एका एक बिलख कर. एका एक बिलख कर रोई. रोती क्यों ना मुझे नाक पर. मुझे नाक की एक नोक पर. काट गई थी चुहिया चूटी. चुहिया काट गई चूटी भर. सचमुच बहुत डरी चुहिया से. चुहिया से सच बहुत डरी. में खड़े देख कर चुहिया को में. लगी कांपने घड़ी घड़ी में. सूझा तभी बहाना मुझको. मुझको सूझा एक बहाना. जरा डराना चूहिया को भी. चूहिया को भी जरा डराना. कैसे भला डराऊं उसको. कैसे उसको भला डराऊं. धीरे से मैं बोली म्याऊ 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 म्याऊ. तो स्टूडेंट अब पोयम हम पढ़ेंगे. सोई सोई एक रात में. ये जो लड़की है ना वो कह रही है कि मैं एक रात में सो रही थी. एक रात में सोई सोई में. एक रात जब सो रही थी. रोई एकाएक बिलख कर. एकाएक एकाएक मतलब अचानक. बिलख कर मतलब जोर से रोना. वो जब एक रात में सोई थी सो रही थी तो अचानक से वो जोर से रोने लगी. एकाएक बिलख कर रोई. अचानक वो जोर से रोने लगी. अब क्यों रोने लगी तो आइए देखते हैं हम. रोती क्यों ना मुझे नाक पर. मुझे नाक की एक नोक पर. काट गई थी चूहिया चूटी. चूहिया काट गई थी चूटी भर. वो क्यों रोई. क्योंकि उसकी नाक पर. उसके नाक की एक नोक पर मतलब हमारी जो नाक होती है ना उसको आप छू के देखना बच्चों तो आपको पता चलेगा. जब हमारा नाक का आखिरी का जो किनारा होता है उसको नोक कहते. तो वहाँ पर ये जो चूहिया थी ना वो छोटी सी देखो यहाँ पर कैसे दबक कर बैठी है. तो वो उसको उसकी यहाँ पर नाक के नोक पर उसने चूटी काटी. चूटी काटी मतलब जैसे आप जब नए कपड़े पहनते हैं तो आपके दोस्त ही आपको चूटी काटते हैं ना. तो वैसे ही उसने एक चूटी काटी यहाँ पे उसके नाक पर. फिर क्या हुआ. चूहिया ने चूटी काटी तो सचमुच बहुत डरी चूहिया से. चूहिया से सच बहुत डरी. में खड़ी देख कर चूहिया को में. लगी कांपने घड़ी घड़ी में. जब चूहिया ने चूटी काटी उसके नाक के नोक पर तब वो डर गई बहुत ही और खड़ी हो गई. यहाँ पे देखो वो खड़ी हो गई ना. वैसे वो खड़ी हो गई और चूहिया को देखा उसने तो वो कांपने लगी घड़ी घड़ी. कांपना मतलब जब हमें ठंड लगती है तो हम कांपते हैं ना. तो वैसे ही वो पल पल कांपने लगी चूहिया को देख कर. सूझा तभी बहाना मुझको. मुझको सूझा एक बहाना. जरा डराना चूहिया को भी. चूहिया को भी जरा डराना. तब क्या हुआ. जब उसने चूहिया को देखकर डर लगा ना तो उसने तुरंत ही उसके एक बहाना उसके दिमाग में आया मतलब एक आइडिया आया उसको. अब क्या आइडिया आया कि मैं उसको डराऊंगी चूहिया को. कैसे डराऊंगी. कैसे भला डराऊ उसको. कैसे उसको भला डराऊ. तो उसने क्या किया. उसको एक आइडिया आया कि मैं उसको कैसे भी करके डराऊंगी. लेकिन कैसे डराऊ वो सोच रही थी.
कि धीरे से मैं बोली म्याऊ 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 म्याऊ। वो धीरे से ऐसे बिल्ली की आवाज़ निकाली उसने, क्योंकि ये चूहा था, वो बिल्ली से डरता है ना चूहा, इसलिए उसने आइडिया लगाया कि मैं ऐसे म्याऊ बोलूँगी तो वो डर के भाग जाएगी। तो यहाँ पे देखो वो म्याऊ म्याऊ बोल रही है। तो ये देखकर चूहे को लगा, चूहिया को लगा कि बिल्ली आ गई, तो वो डर के भाग गई। इस तरह से इस लड़की ने चूहिया को म्याऊ म्याऊ करके बिल्ली की आवाज़ निकाल कर भगा दिया। तो ये स्टोरी है, ये जो पोयम है स्टूडेंट, आपको होमवर्क में सेन राइट अपनी हिंदी नोटबुक में लिखना है, गाना भी है और साथ में लिखना भी है पोयम को।